रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी इंडियन आर्मी की कम्बैट आर्म है। आर्टिलरी रेजिमेंट का मोटो है सर्वत्रा इज्जत ओ इकबाल, जिसका मतलब है एवरीवेयर विद ऑनर एंड ग्लोरी। आर्टिलरी को ऑफिसर्स एंड जवान आरटी कहते हैं, विच इज नथिंग बट शॉर्ट फॉर्म फॉर आर्टिलरी। इनकी बैरे का कलर डार्क ब्लू होता है और लोगों में मोटो इंस्क्राइब्ड रहता है। इसका हेडक्वार्टर नाशिक महाराष्ट्र में है। रेजिमेंट सेंटर को स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहा जाता है। डिड यू नो दैट इनिशियली आर्मी एयर डिफेंस और आर्मी एविएशन कोर आर्टिलरी का हिस्सा थे। 1990s की शुरुआत में दोनों यूनिट्स को आर्टिलरी से अलग कर दिया गया था और इंडियन आर्मी की नए आर्म्स में अपग्रेड किया गया। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के करंटली 3 डिवीजन है। 40 आर्टिलरी डिवीजन इन अम्बाला हरियाणा, 41 आर्टिलरी डिवीजन इन पुणे महाराष्ट्र, 42 आर्टिलरी डिवीजन इन अलवर राजस्थान। तो आइए आर्टिलरी रेजिमेंट के बारे में थोड़ा और जानते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। आर्टिलरी रेजिमेंट की दो एयरबॉर्न रेजिमेंट्स भी हैं, 9 एंड 17 पैरा फील्ड रेजिमेंट। लेट मी क्लियर दिस, दीज आर नॉट स्पेशल फोर्सेस बट रेदर एयरबॉर्न रेजिमेंट्स ऑफ आर्टिलरी। आर्टिलरी रेजिमेंट को गनर्स भी कहा जाता है, जिसे GNR से सिंबलाइज करते हैं। गनर्स डे यानी कोर डे हर साल सितंबर 28 को सेलिब्रेट किया जाता है। वॉर के प्रस्पेक्टिव से देखा जाए तो आर्टिलरी दूर रह के दुश्मन को नुकसान पहुंचाने का काम करती है, इसलिए आर्टिलरी को गॉड ऑफ वॉर से भी जाना जाता है। आर्टिलरी रेजिमेंट के वेपन्स में शामिल है बैलिस्टिक मिसाइल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, हाई मोबिलिटी गन्स, मोर्टर्स, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस। आर्टिलरी का रोल आज भी वही है जो पहले था। गनर सबसे डेडली तब हो जाते हैं जब वो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक फॉर्मेशन बना लेते हैं जिसमें आर्मर्ड, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और इन्फेंट्री रेजिमेंट्स जुड़ जाती हैं। साथ मिलकर ये एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है दुश्मन के लिए। आज के मॉडर्न वॉरफेयर में UAV रडार्स काफी हेल्पफुल है। कारगिल में यूज्ड बोफोर्स के बाद आर्टिलरी में K9 वज्र ऐड किया गया, जो कि इंडिया और साउथ कोरिया का जॉइंटली मेड वेपन है। साथ ही आर्मी ने US से अल्ट्रा लाइट होविट्सर्स भी लिए। ये दोनों इंडक्शंस 2018 में हुई। 2019 और 2020 में DRDO ने धनुष पे काम किया और वही ATAGS यानी एडवांस टावर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम पे भी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन दोनों के इंडक्शन के बाद आर्टिलरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आज के समय में आर्टिलरी को काउंटर इंसर्जेंसी में भी यूज किया जा रहा है, क्योंकि वेपन काफी प्रिसाइज हो गए हैं। मैन्यूवरेबिलिटी हर टेरेन में बेहतर ही गई है, साथ ही एनमी फायर को रेसिस्ट करने की पावर भी बढ़ी है। आर्टिलरी फॉर्मेशंस हैव बीन डिप्लॉयड इन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज द नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर बाय द इंडियन आर्मी। आई होप आपने इस वीडियो से काफी कुछ गेन किया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।